हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज माय क्लास। इन टुडेज क्लास आई एम गिविंग यू सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ योर क्लास सिक्स बुक ऑफ न्यू लॉगमेन विस्टास ज्योग्राफी चैप्टर 8 दैट इज नेचुरल इंडिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ए बी सी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन ए, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो क्वेश्चन फर्स्ट ए, काल वैसाखी ऑक्यूर्स कॉमनली इन डैश। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेस्ट बंगाल। सेकेंड क्वेश्चन, कोस्टल तमिलनाडु गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द मंथ ऑफ डैश। सो करेक्ट ऑप्शन ए, नवंबर। थर्ड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज हैव ड्रेस। सो करेक्ट ऑप्शन डी, ब्रॉड लीव्स। फोर, एलिफेंट्स आर कॉमन इन डैश। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेनिनसुलर इंडिया। ओके, सो हियर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस सेक्शन ए इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेक्शन बी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंस इट्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री, नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। थर्ड, मैंगो सावर्स आर हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ मैंगोज। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ, फॉरेस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग फ्रूट्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ, द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड अस वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज दैट इज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड अस डैश टाइप। सो आंसर इज ट्रॉपिकल मानसून। स्पेलिंग इज टी आर ओ पी आई सी ए एल, ट्रॉपिकल एम ओ एन एस ओ ओ एन, मानसून। सेकेंड, द एडवांसिंग मानसून विंड्स एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द डैश डायरेक्शन। सो आंसर इज साउथ वेस्ट। स्पेलिंग इज एस ओ यू टी एच डब्ल्यू ई एस टी, साउथ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट थ्री, द ऑप्रेसिव वेदर ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इज कॉमनली कॉल्ड। आंसर इज अक्टूबर हीट। स्पेलिंग इज ओ सी टी ओ बी ई आर, अक्टूबर एच ई ए टी, हीट। फोर्थ, द ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश फॉरेस्ट। आंसर इज मानसून। स्पेलिंग इज एम ओ एन एस ओ ओ एन, मानसून। फिफ्थ, डैश इज द अदर नेम गिवेन टू द इंडियन बिसन। सो आंसर इज गौर, जी ए यू आर, गौर। ओके, सो हियर इन दिस चैप्टर ऑब्जेक्टिव सेक्शन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10 to 20 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फोर सीजन्स एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। सो आंसर इज हियर इन योर बुक, पेज नंबर 180। हियर आंसर इज, देयर आर फोर मेजर सीजन इन इंडिया, विंटर, समर, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। ओके, सो योर आंसर इज द फोर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द फोर सीजन एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया डैश विंटर, समर, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ऑक्यूरेंस ऑफ लाइट रेनफॉल इन
northern India during winter? So answer is, the reason behind the occurrence of light rainfall in northern India during winter because यहाँ mention करेंगे, उसके बाद start करेंगे answer. Answer is in your book, page number 172. Because is caused by the cyclonic storms which originate in the Mediterranean Sea and travel towards India. Okay, so complete answer. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द रीज़न बिहाइंड द ऑक्यूरेंस ऑफ लाइट रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर बिकॉज पेज नंबर 172 बिकॉज इज केस्ड बाय द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स विच ऑरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी एंड ट्रेवल टुवर्ड्स इंडिया. ओके, सो आंसर टू इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, why do trees belonging to the thorn forest have long roots and small leaves? So answer is, yahan se start karenge. Tree belonging to the thorn forest have long roots and small leaves because ke baad page number 177 yahan se start karenge last paragraph. Because they have long roots which enable them to obtain water from deep below the ground. Their leaves are thorny or flesh which help to reduce the loss of water. Okay, next question four, state two special features of mangrove trees. So answer is, two features of mangrove trees in page number 177. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मैनग्रोव ट्रीज कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. दिस ट्रीज हैव स्पेशल रूट्स कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. ओके, योर आंसर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, नेम द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, एलिफेंट, इंडियन बिसन एंड क्रोकोडाइल. सो आंसर, पेज नंबर 179, एलिफेंट आर कॉमन इन द फॉरेस्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड आसाम. द इंडियन बिसन नाउ एस गौर इज फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इन द पेनिसुलर रीजन. एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड इन ponds, river and marshes. Okay, so your answer is completed of section D. All question is completed. यहाँ से आप इस वीडियो को पॉज करके आप आसानी से सारे आंसर को फिर से समझ कर लिख सकते हैं. मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो सेक्शन है इस चैप्टर के, सेक्शन ई और एफ को सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.